खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने पढ़ी या सुनी ही होगी, जिसमें बहुत ही धीमी चाल से चलने वाला कछुआ जीत जाता है, और वह भी दौड़ लगाने वाले खरगोश के मुकाबले। कछुए की जीत हमारी जिंदगी में निरंतरता की शक्ति को प्रतिपादित करती है, प्रमाणित करती है। कछुआ जीता ही इसलिए था क्योंकि उसने चलना बंद नहीं किया था, चाहे उसने धीरे धीरे ही क्यों ना चला हो। तो नमस्कार दोस्तों, उन्नति कम्पिटिशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी कोट, एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। इस कहानी से आप पहले से ही अवगत होंगे, तो इस बात पर विचार करिएगा, और आपको भी रुकना नहीं है, ना ही तो तेज तेज आपको दौड़ना है कि जिससे थक जाओ। आपको दौड़ना भी नहीं है, आपको रुकना भी नहीं है जिससे कि आप आलसी बन जाओ। केवल और केवल आपको चलते जाना है, बस आराम आराम से बढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है आपको, और आगे बढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट बुक के बारे में। ये होगा इसका पार्ट 13, और इसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, और उनके संस्थापक क्या थे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 4 नंबर पॉइंट, युवा बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना वर्ष जो थी वो थी 1826, और इसके संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। अगला जो संस्था है वो है आपकी ब्रह्मा समाज। कई बार ये पूछा गया एग्जाम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में, और इसके संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद हम सीधे बात करेंगे 12 नंबर के बारे में, साइंटिफिक सोसाइटी। स्थापना हुई थी 1864 में, और सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी। अगला जो पॉइंट है वो है आपका प्रार्थना समाज। 1867 केशव चंद्र के सहयोग से हुई थी, एम जी रानाडे ने करी थी, आत्माराम पांडुकर एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर आदियों ने करी थी। अगली संस्था का नाम है आपका वेद समाज। 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। 17 सत्य शोधक समाज। 1873 ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 19 है इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। 20 है आपका आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने बुक अब तक नहीं उठाई है, केवल आप इसको सुन रहे हैं, या तो आप अपने साथ में रखिए A4 पेज, इन सबको नोट करिए, या फिर अपने साथ में रखिए ये बुक। इस बुक में आप एक काम करिए, हाइलाइटर से हाइलाइट्स करिए, येलो से पिंक से जिससे भी करना आपको करिए, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रेड डी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप दे रहे हो स्टेट पीसीएस का एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है, परचेज करना है आपको, मार्केट अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको बुक लेनी है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन हो सके अगर आपके पास बुक है और आप उठाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बुक को उठाइए और उसको हाईलाइट करिए। अगला जो है वो है 19 इंडियन लीग। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, संस्थापक थे इसके शिशिर कुमार घोष। 20 नंबर आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में, और ए ओ होम इसके संस्थापक थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये सीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में आपका जो भी प्रीलिम्स एग्जाम आपको भी होने वाला है UPSC का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका रामकृष्ण मिशन 29 स्वामी विवेकानंद। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, और आगा खां एवं सलीम उल्ला इसके संस्थापक थे। आगे हम बात करते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, लाला हरदयाल एवं कासीराम ने इसकी स्थापना करी थी। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। 40 नंबर है खिलाफत आंदोलन। अली बंधु 1919 में इसकी स्थापना करी थी। अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी पुणे में 1932 में, और ये करी थी महात्मा गांधी ने। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी,
यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में देगा, लेकिन मैक्सिमम लगता है लोगों को हरिजन, मतलब SC ST OBC की बात चल रही है, ठीक है ना, तो क्या पता BR अम्बेडकर होंगे, तो मैक्सिमम बच्चे BR अम्बेडकर को ही क्लिक करके आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, जो गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुए थे, दूसरे में जो दोनों दोनों ने भाग लिया था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने, उसके बाद में ये असफल रहा, लेकिन हरिजन से संबंधित जो भी समस्या थी, BR अम्बेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत करी लोगों के सामने कि इनकी दशा क्या होती है, इनसे कैसे मैला उठवाते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे प्रभावित हुए। इन्होंने वास्तव में बोला कि ये जो व्यक्ति हैं, ये वास्तव में हरि के जन है, हरि मतलब भगवान के ये जन है, मतलब उनकी देन है, तो इनके साथ हम ऐसा काम इनसे नहीं करवा सकते। तो इन्होंने उनके विकास के लिए, महात्मा गांधी ने, याद रखेगा, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी। आगे हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी 1939 में, आजाद हिंद फौज 1942, रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। आगे हम बात करते हैं, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, तो इसमें हम बात करेंगे आंदोलन एवं घटनाएं क्या थी और उनके क्या वर्ष थे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और संबंधित जो विषय थे, व्यक्ति थे, वो थे AO होम, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले देखा था, ये इसके संस्थापक भी थे। आगे हम बात करते हैं बग भंग आंदोलन, मतलब बंगाल के विभाजन, भंग से बना है, बंगाल का विभाजन हुआ था इसमें 1905 में, और बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। आगे हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916 में, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 में, रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 में। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि अब तक तो मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा था, लेकिन अब मैंने स्किप नहीं करा है। देखिए, इसमें पिछला जो मैंने अभी वीडियो देखा था, इससे पहले भी वीडियो में काफी हद तक स्किप करवा रहा था, काफी सारी चीजें वो स्किप मैं इसलिए करा रहा था क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको स्किप करवा दिया। तो अगर मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, एक एक लाइन के बाद 9, 10, 11, 12, तो ऐसा होगा कि इस बुक को खत्म होने में कम से कम ले जाएंगे 3 से 4 साल, और मुझे डेली रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी तब जा करके। तो ऐसे नहीं कि आप ढेर पढ़ें, आप केवल क्वांटिटी में नहीं, आप केवल क्वालिटी पे फोकस करा करिए, ठीक है। आप क्वालिटी के हिसाब से स्टडी करेंगे तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। अगर क्वांटिटी ही पढ़नी है आपको, क्वांटिटी पे फोकस करना है, दुनिया भर की तमाम वीडियो आपको मार्केट में मिल जाएगी। गूगल पे सर्च मारिए, इकट्ठा करते रहिए मटेरियल को अपना, डाउनलोड करो, ऑफलाइन लगाओ, ढेर लगा दो अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसी स्टडी आप प्लीज़ मत करिएगा, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट जिनके पास टाइम नहीं है तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, रिस्क लेना बंद करो और आगे पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ जो मैं बात कर रहा था आपसे, देखिए, ये सभी के सभी जो पॉइंट है ना, आप इसमें से कोई स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका विचार है कुछ स्किप करने का, तो जो स्किप हो सकता है वो मैंने करवा दिया नीचे, लेकिन अब ऊपर मैं आपको कोई भी स्किप नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन 1919 को, ये आपको सब टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये पूछता है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, एक ना एक हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे, डेट वर्ड्स मंथ आपसे पक्का पूछेगा। तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को, जलियांवाला बाग से ये संबंधित थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था, और ये हुआ था दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले, मतलब उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बीच में रोक दिया गया, तो वो था आपका चोरी चोरा कांड, और ये कब हुआ था 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना जो करी थी वो करी थी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा। आगे हम बात करते हैं 22 नंबर की, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित करा गया था, और नमक सत्याग्रह मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चंस 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल को ये खत्म हुआ था। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। अब इससे संबंधित एक बात हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन इसमें करा गया था, और कितने अनुयायी इसके समर्थक थे महात्मा गांधी के साथ में, कितने लोगों ने कितने किलोमीटर तक ये यात्रा करी थी, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था इससे पिछले पार्ट में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। लूसेंट वीडियो बुक एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे, तमाम वीडियो इस बुक से संबंधित आपको मिल जाएंगे।
आगे हम बात करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरुआत हुई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। और ये मैकडोनाल्ड एक्चुअली प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड और थर्ड, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री रहे थे वो मैकडोनाल्ड ही थे, ये चेंज नहीं हुए थे। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में, मतलब कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड में इन्होंने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी गए थे वहां पर कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बी आर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, तो आप याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। आगे हम बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 को और किसने करा था, ये करा था सुभाष चंद्र बोस ने। पाकिस्तान की मांग पहली बार कब रखी गई थी, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को और आपका क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव हुआ था मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी ये प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का ही सम्मेलन था। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैबिनेट मिशन का आगमन, ये हुआ था 24 मार्च 1946 को और माउंटबेटन योजना का जो वर्ष था वो था 3 जून 1947 को। इसमें क्या हुआ था, इसमें वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। आगे हम बात करते हैं आपसे, भारत के महान शहीद कौन कौन से थे और उनको सजा कुछ क्या क्या दी गई थी वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, पहले थे व्यक्ति खुदीराम बोस। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 11 अगस्त पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन दी गई, मतलब कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इनका जो संबंध था वो सिंपल ये था कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी में इन्होंने बम फेंका था और 1908 में इनको क्या हो गई, फांसी दे दी गई। अगला जो पर्सनैलिटी है, जो क्रांतिकारी है, महान शहीद थे, उनका नाम है अशफाक उल्ला खान। इन्होंने क्या करा था, 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती 18 दिसंबर जो हुआ था, मतलब कि इस केस में अभियोग में इनको बंदी बनाया गया था और क्या करा था, इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी। आप डेट याद मत रखिएगा कि 18 दिसंबर को, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी डेट याद रखनी है, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी और अशफाक उल्ला को 18 दिसंबर 1927 को। आगे हम बात करते हैं उधम सिंह के बारे में, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने करा था कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारी थी, किसको, सर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी और उनको फांसी दी गई थी 1940 में। भगत सिंह के बारे में, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भगत सिंह के बारे में, हम बात करेंगे कि सारस की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और सारस जो था, इसको सॉन्डर्स भी बोलते थे, इसकी हत्या के केस में मौत की सजा दी गई इनको। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, सुखदेव का भी सेम केस था, इनके साथ ही इनको फांसी चढ़ी थी। और बटुकेश्वर दत्त इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इनका बलिदान भी काउंट होगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ चंद्रशेखर आजाद के बारे में, काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा, मतलब कि पार्क या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की घोषणा करी थी। चंद्रशेखर आजाद को क्या कहा गया था कि इनको पकड़ के लाओ जिंदा या मुर्दा, 30,000 रुपये जो था पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये अमाउंट कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लेता है और सीजल में भी ये एक दो बार पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है कि कितने अमाउंट की घोषणा करी गई थी। तो 30,000 रुपये जो उस टाइम पे 30,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था। आगे हम बात करते हैं इनको जो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हुए थे, इनको इन्होंने अपने आप को खुद गोली मारी थी। आगे बात करते हैं चापेकर के बारे में, दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ ये गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद में इनको
फांसी दे दी गई थी। आगे बात करते हैं राजगुरु के बारे में। देखिए 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ठीक है, तो ये भगत सिंह थे 23 मार्च। 23 मार्च आप देख रहे हैं सामने, 23 मार्च, 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और साथ में आपके थे, अभी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपके सामने राजगुरु। ठीक है, इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा और डेट 23 मार्च 1931। आगे बात करते हैं हम लोग संबंधित घटनाएं। ये हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। अगर उनके बारे में बात ना करिए तो बड़ी नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो देखिए 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद का जो ये का विरोध करने पर मुहिम के द्वारा पासविक उनका देहांत हो गया। एक्चुअली ये विरोध कर रहे थे किसका, साइमन कमीशन का। लाठीचार्ज हुआ, इनके सर के ऊपर लाठी से प्रहार करा गया और इनका सर से काफी खून निकला और उसके बाद में इनके माइंड में क्लॉटिंग हो गई, मतलब कि खून अंदर कहीं जम गया और उसके बाद में इनका देहांत हो गया। अब हम बात करते हैं 48। 48 मतलब कि ये जो पॉइंट है अपने बुक में देखिएगा 48 कहाँ पर है, उसमें हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे कौन कौन से थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो नारा है वो है आपका इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया था, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, तो ये याद रखिएगा, ये दिया था भगत सिंह ने। उसके बाद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत छोड़ो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने बोला है, तो गांधी जी के हर एक शब्द काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। ये भी आपको याद रखना है, कौन से युद्ध के समय किसने कहा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय, मारो फिरंगी को। ये जो था ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। उसके बाद हम बात करते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी स्किप हो गया हाईलाइट होने से। ये हाँ, ये दिया था आपका श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने, जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन मिरर, इसके लेखक, इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे केशव चंद्र सेन। अगला जो है वो है केसरी, ये मराठा लैंग्वेज में थी, द मराठा अंग्रेजी में थी, और गीता रहस्य, इसके रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हम बात करते हैं युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन के रचयिता थे अरविंद घोष, यंग इंडिया हरिजन, नवजीवन हिंद स्वराज, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बुक है ये सभी, जो लिखी गई है इसके रचयिता जो है ये कुछ मैगजीन है, मतलब कुछ पत्रिकाएं हैं और कुछ पुस्तक के नाम है। आपको ये कंप्लीट लाइन अपने नोट्स में लिखनी है, और ये लिखी है महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इसमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो स्किप करने लायक था वो मैं ऑलरेडी स्किप कर चुका हूँ, आप इसमें से भी स्किप करेंगे तो शायद आपकी जीके का थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा क्या मैं कहूँगा, बहुत हो सकता है आपका डामाडोल। तो प्लीज़ आप ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हाई हो रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट निकलती कम है, भर्ते कितना है, कट ऑफ कितना जाता है, ये मुझे बताने की फिलहाल आपको अभी आवश्यकता नहीं है, ये आपको पहले से पता होगा। देखिए अगला जो वो है बुक, वो है आपका फ्री हिंदुस्तान, इसके राइटर थे तारकनाथ दास। ये जो पूछा गया है आपका उत्तराखंड के एग्जाम में, ये कई बार पूछा गया था। ठीक है, और यूपी के एग्जाम में, तो इसलिए जो बच्चे वहां की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने हल्का सा आपको हिंट दिया कि आप इसको स्किप मत करना, क्योंकि एसएससी वाले स्टूडेंट को ये लगा हुआ है फ्री हिंदुस्तान मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा, तो ठीक है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, शुरुआत कभी ना कभी होती है, क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में ये दिख जाए आपको, तब
तो इसलिए स्किप मत करिए इसको भी। आगे बात करते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्तूर, तो इसके रचयिता थे आपके दादा भाई नरोजी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल। तीन पुस्तक हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसके रचयिता थे अब्दुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरी कहानी, इसके रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल। वॉर ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके राइटर हैं वीर सावरकर। और नील दर्पण लिखी है आपके दीन बंधु मित्र ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नील दर्पण के रचयिता कौन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके राइटर हैं आपके दीन बंधु मित्र। भारतीय दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। और आनंद मठ के रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने दो पुस्तक लिखी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आनंद मठ। सॉरी, आगे हम बात करते हैं उपाधि प्राप्त कर्ता एवं दाता। थोड़ा सा डिस्प्ले फैड है, क्योंकि स्कैनिंग करते समय थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ पाई। उपाधि जो है, गुरुदेव की उपाधि जो मिली है वो मिली है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और दी किसने है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, आप याद रखिएगा, दी किसने है, महात्मा गांधी ने। किसको कौन सी उपाधि मिली है, तो ये पूरी लाइन आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में आपको महात्मा की उपाधि किसने किसको दी थी। महात्मा की उपाधि प्राप्त है महात्मा गांधी को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये दी थी महात्मा गांधी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडोल्फ हिटलर ने ये उपाधि उनको दी थी। तो देखिए, यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं सामने डिस्प्ले पर, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सभी पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको सभी पेन डाउन करना है और अपनी बुक पे इसको एज इट इज इसी तरह से हाईलाइट करना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बस इम्पॉर्टेंट है आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद महाराज खतेड़ी ने ये इनको उपाधि दी थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, विवेकानंद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके राष्ट्रपति, और राजा को राजा राम मोहन राय किसने कहा था, ये तो ये कहा था अकबर द्वितीय ने। आगे हम बात करते हैं इसमें कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ पर हुए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं, तो कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, खासतौर पे यूपी से संबंधित जो भी एरिया है वो सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वर्ष दिया गया है कब कौन सा हुआ था, तो ये पूरा मैप है, मैप के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं कि हाँ दिल्ली में ये तीन हुए थे, कानपुर में ये हुए थे, लखनऊ में इधर तीन हुए थे, इलाहाबाद में आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नागपुर में दो हुए थे, अमरावती में केवल एक ही हुआ था, पूना में एक हुआ था। तो ये सब क्या है, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुए थे, छोटा सा एक मैप के थ्रू आपको समझाया गया है। हम बात करते हैं फिलहाल नीचे यहाँ पर कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, कौन सी खास बात कब थी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसकी विशेष बात क्या थी। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, एक्चुअली ये होना था किसी और जगह पर, वहाँ पे एक्चुअली प्लेग चल रहा था, उसके बाद में शिफ्ट हो गया मुंबई में, और उस समय इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट करा था। चौथा अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है इसके बाद में, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है आपका इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। शायद आपको क्लैरिटी कुछ नहीं आ रही होगी, कम आ रही होगी, इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम क्वालिटी पे थोड़ा और फोकस रखूंगा। तो 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसमें रहे थे जॉर्ज यूले, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये 12वां अधिवेशन था 1896 में, हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब करा गया था, जब 22वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1906 में कलकत्ता में, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नरोजी। आपको अध्यक्ष स्थान और कब हुआ था वो वर्ष आपको याद होना चाहिए, और क्या उसकी विशेषता थी उस अधिवेशन की वो भी आपको याद करना पड़ेगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, 23वां अधिवेशन उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और ये था 27वां, और उस टाइम पे अध्यक्ष थे आपके पंडित विशन नारायण धर। प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी, ये बनी थी कलकत्ता
अधिवेशन हुआ था 1917 में। इसके अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी। 1929 में अधिवेशन हुआ था, ये था आपका 45वां, और ये हुआ था लाहौर में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी जिस तरह से पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में कब और कहाँ रखी थी, तो ये था आपका 45वां, 1929, और लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। आगे बात करते हैं आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, ये था आपका 55वां, ठीक है, और 1946 में हुआ था मेरठ में, और इसके थे अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हंटर आयोग, 1882 में विलियम हंटर थे इसके अध्यक्ष, और गवर्नर जनरल थे या फिर वाइस राय थे रिपन, और इसका उद्देश्य था शिक्षा का विकास करना। हंटर आयोग का संबंध किससे है आपसे एग्जाम में ये पूछता है, आपसे ये नहीं पूछता किस वर्ष वगैरह वगैरह, ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा बस केवल इसका उद्देश्य क्या है, आपको केवल आयोग का नाम और उसका एम, उसका उद्देश्य क्या था वो याद रखना है। हंटर आयोग का उद्देश्य था आपका शिक्षा से संबंधित शिक्षा का विकास करना। अफीम आयोग जो हुआ था ये बना था 1893 में, आपको इसका वर्ष याद करना है खास तौर पे, और अफीम सेवन को रोकने हेतु, कॉमन सी बात है अफीम आयोग का अर्थ क्या होगा, अफीम आयोग का काम कॉमन सी बात है यही होगा कि सिंपल अफीम को रोकना, सेवन से लोग रोकें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। तो अब हम बात करते हैं 9 के बारे में, सिंचाई आयोग 1901 में बना था, इसके अध्यक्ष थे कर्जन, और सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय सुचार के बारे में इसमें विचार करा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं बटलर समिति, बटलर समिति भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी कई बार, अब तक भी कई बार पूछा गया है। तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था, एग्जाम में यहाँ पर ये आता है, तो आपको याद रखना है बटलर समिति का। साइमन आयोग आया था 1927 में, और 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु ये आया था या बना था। क्रिप्स आयोग जो बना था ये बना था 1942 में, और भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु इस आयोग की गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में 35 ऑर्डिनेंसेस के होते, और वेबल और भारत को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु कौन सा मिशन आया था, मतलब भारतीयों को सत्ता सौंपने के लेकर के कौन सा मिशन पहली बार भारत आया था, तो वो आया था कैबिनेट आयोग। आगे के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। तो अब तक हमने जो भी देखा ये वीडियो, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने अब तक पेन डाउन अगर नहीं करे हैं तो अगर आप बुक को उठा लीजिए, पेन डाउन करिए, ठीक है, और अगर बुक है तो बुक में डायरेक्ट उसको हाईलाइट करिएगा। और आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड